नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हम हैं रांची के हरमू मैदान में और आज यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की बदलाव महारैली की जा रही है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, बड़ा सा मंच तैयार किया गया है, कई सारे नेता गण मौजूद हैं और अब से कुछ ही देरों में यहां कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन भी यहाँ पे मौजूद होंगे और अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे दो मंच बनाया गया है, एक बड़ा मंच और एक छोटा मंच। छोटे मंच पे भी कई सारे प्रखंडों से, वार्ड से नेतागण आए हुए हैं। अपने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सुनने के लिए और हम इन लोगों से जानेंगे कितना ज्यादा उत्साहित है आप लोग। हम लोग आज ये महारैली से ये बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदाधिकारी वर्कर सब हम लोग ये ऐलान करते हैं और ये बिगुल फूकते हैं कि आने वाला चुनाव में हम लोग कम से कम 70 विधायक हम लोग जिताएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का। ये हम लोग 70 विधायक हम लोग निकालेंगे इस झारखंड से। अपने कहाँ से आए हैं आप? और हम पाकुड़ जिला से आए हुए। पाकुड़ जिला में हमारा अभी दो विधायक है, एक कांग्रेस का है और एक एमपी है। हमारा जिला पूरा हम लोग का अपना है। तो कहीं ना कहीं पाकुड़ जिला से आए हुए हैं नेतागण, कई सारे नेतागण आए हुए हैं और भी लोगों से हम बात करेंगे। महिला नेत्री भी आए हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महिलाओं की भी आज काफ़ी उत्साहित है झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर। आप लोगों का क्या आज का रहेगा? आप सुनने के लिए आए हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, शिबू सोरेन भी मौजूद रहेंगे। कितना ज़्यादा उत्साहित आप? बहुत ज़्यादा उत्साह से। हम लातेहार जिला बरवाड़ी प्रखंड से हैं। मेरा नाम आरती देवी है, ठीक, और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को महिला प्रखंड अध्यक्ष हूँ आरती देवी। मैं ये सबसे मनी खुशी की बात है कि हम लोग को आज एकजुट होने हैं और सबको ये दिखाना, रघुवर सरकार को खड़ फेंकना कोई काम नहीं है उनका। बस उनका खाली हल्ला बोल है कि ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं करते। बस पूर्व हेमंत सोरेन को फिर से हम लोग हेमंत सोरेन अपना मंत्री देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से देखा जा रहा है कि चाहे वो लातेहार हो, पाकुड़ हो या झारखंड के विभिन्न जिलों के अध्यक्ष आए हुए हैं, प्रखंड के अध्यक्ष आए हुए हैं, वार्ड से भी कई सारे ऐसे नेतागण आए हैं, जितने भी तमाम नेतागण हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, सब वहाँ पे मंच बनाया गया, एक छोटा मंच बनाया गया है जिसमें कि इन लोगों का उपस्थिति दर्ज कराया, और एक बड़ा मंच बनाया गया है ठीक सामने जिसपे कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विराजमान होंगे और अब से कुछ ही देरों में कार्यक्रम का शुरुआत होना है। उससे पहले हम यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतागण से बात करेंगे कि आप लोगों का क्या रहेगा चुनावी मुद्दा इस बार। हम लोग हेमंत सोरेन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अंतिम ताकत लगा देंगे और लगा रहे हैं, और हम ये अपने आप से वादा करते हैं कि आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री जी को बहुत से बहुत ज़्यादा सीट दिला करके इनकी सरकार को बनाएंगे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? लातेहार से मैं है, मेरा नाम भुवनेश्वर है। तो लातेहार हो, पाकुड़ हो या कई ऐसे जिला हैं जहाँ से सब आए हुए हैं, हम और भी लोगों से बात करेंगे। इधर भी कई सारे नेतागण बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि आप कहाँ से आए हैं और कितना ज़्यादा उत्साह है आज के कार्यक्रम को लेकर। हम हुसैनाबाद विधानसभा से आए हैं और हम लोग बहुत, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला ये केंद्रीय सचिव हूँ और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। ये बदलाव महारैली जो है ये सरकार को अल्टीमेटम दे रही है कि यहाँ की जनता नाखुश है और हमारे माननीय हेमंत जी का एक ही नारा है, बदलो सरकार पाओ अधिकार। और ये बहुत ही जल्दी ये सरकार जो है ये निकम्मी सरकार ये उलट जाएगी, इसलिए कि ये जनता इससे नाखुश हो चुकी है, घबरा चुकी है, इसमें भ्रष्टाचार भरा हुआ है, इस वजह से जनता इसको नकारेगी आपके चुनाव में। तो साफ तौर पर से देखा जा सकता है कि चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा हो या वरिष्ठ नेता भी मौजूद है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो या कोई भी प्रकोष्ठ हो, अनुसूचित जनजाति हो, क्योंकि हेमंत सोरेन ने खुद वीडियो कर ट्वीट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचने की कोशिश करें हरमू मैदान में, क्योंकि सरकार यह भी कोशिश करेगी कि लोगों को कैसे रोका जाए, कैसे को भीड़ को रोका जाए। हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री जो है बार बार वीडियो ट्वीट करके सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस बड़े कार्यक्रम में जो आज बदलाव महारैली किया गया है हरमू मैदान में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और भी हम नेता से जानेंगे कि आप लोगों को आज के कार्यक्रम को लेकर कितना ज़्यादा उत्साह है। हम लोग सरकार के प्रति जो जनता में घबराहट देख रहे हैं, उसे लग रहा है कि जनता रघुवर सरकार को
उखाड़ फेंकेगी। यह जनता है, जनता सर्वोपरि है। जनता आज आंगनबाड़ी हो, पारा टीचर हो, जल सहिया हो, पंचायत के जितने भी ये आज कुपोषण सखी बहाल किया गया है, सभी पर लाठियां बरसा रही है। और एक शराब बेचने वाले को 25,000 दिया जा रहा है, और एक महिला आंगनबाड़ी सेविका के बच्चा को कुपोषण से बचा रहा है, उसको लाठियां बरसा रही है। और मैं पलामू पाकी विधानसभा पूर्व प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो पलामू विधानसभा से भी आए हुए हैं, हर विधानसभा क्षेत्र से आप कह सकते हैं, हर जिला हो, प्रखंड हो, सब जगह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं, सब कई सारे ऐसे पद पे जो हैं विराजमान हैं, सब बैठे हुए अपने बड़े नेता का इंतजार कर रहे हैं। कितना ज़्यादा उत्साहित है आज के कार्यक्रम को लेकर? झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बदलाव यात्रा आज का है, ये भारतीय जनता पार्टी को संगठन पर बहुत प्रभाव डालेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सशक्त और संगठनिक पार्टी है, झारखंड की माटी की पार्टी है, और झारखंड के भला झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही हो सकता है। यहाँ के आम एवं गरीब गुरबा जो भी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक युवा सम्राट हेमंत सोरेन की ओर देख रहे हैं, और उनका एक सोच है कि अगर झारखंड का विकास पंचायत से लेकर शहर तक डेवलप करना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को हेमंत सोरेन को हाथों को मजबूत करना है, और हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री अगला 20 में हम लोग को देखना है। काहे कि हमारा नाम वशिष्ठ कुमार सिंह बबलू सिंह हुआ, मैं हुसैना विधानसभा से आया हूँ। तो कहीं ना कहीं बबलू सिंह का भी कहना साफ तौर पे है, हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से आए। हर विधानसभा हो, हर प्रखंड हो, हर गांव, कस्बे, शहर, सब जगह से आप देख सकते हैं हमारे कई ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं जो विराजमान हैं, और कुछ ना कुछ अपनी बातों को हम सबसे पूछ रहे हैं कि आपका आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है और क्या आज का रैली को लेकर आप? मैं धनवार विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ, गिरिडीह जिला से। हम लोग आज बदलाव महारैली में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में जो उम्मीद था इसको अलग करने का जो ये था, माननीय हमारे नेता गुरुजी इस झारखंड राज्य को अलग किए, और आज ये जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ के जो वास्तविक झारखंडी है वही छला जा रहा है। आज यहाँ बाहरी मुख्यमंत्री को बैठा करके यहाँ का युवा का रोजगार छीना जा रहा है, बाहरियों को ला के यहाँ कर पदस्थापित कर रहा है, और यहाँ के बेरोजगार युवा, यहाँ पढ़ा लिखा युवा, इसको ये कह कर कि ये योग्यता नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर हुनर नहीं है, ये बाहरी मुख्यमंत्री को आज हम लोग संकल्प लेंगे इस रैली में कि इसको उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है, और यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अस्थायी रूप से बनाने की आवश्यकता है, तभी इस झारखंड राज्य का विकास हो सकेगा। अन्यथा इस झारखंड राज्य का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कर सकता है, दूसरे कोई नहीं कर सकता। मेरा नाम मोहम्मद शफीक अंसारी है, मैं जिला उपाध्यक्ष गिरिडीह से हूँ। गिरिडीह से आए हुए हैं जिला उपाध्यक्ष जी हैं शफीक अंसारी। इन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि झारखंड को अगर बचाना है तो यहाँ के आदिवासियों को बचाना होगा, और आदिवासी मुख्यमंत्री को ही यहाँ के कई सारे ऐसे काम है जो कि पीछे छूट रहा है। झारखंड में रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार बार बार लाख दावे करती है, कई सारी योजनाएं का लाभ का बात करती है कि लाभुक हो रहे हैं लोग, लेकिन अगर धरातल पर बात की जाए तो आखिर सत्यता छिपती नहीं है, कितनी भी कोशिश कर ले कोई भी सरकार। आप कहाँ से आए हैं और क्या है आज का उद्देश्य? मैं गढ़वा जिला के भनातपुर क्षेत्र से आया हूँ। मेरा नाम कन्हैया चौबे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ। आज हम इस झारखंड को, आज हम इस सरकार को उखाड़ कर इसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने आए हैं। अभी ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाली सहिया बहनों को चौराहे पर राजभवन के सामने गेट पर पीटा है। यत्र नारी पूजन्ते तत्र मन्ते देवता का पाठ पढ़ाने सरकार। ये तो राजधानी की बात हो गई, हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करना चाहेंगे, ग्रामीण समस्याओं से आपसे पूछना चाहेंगे कि कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं जो, क्योंकि सरकार बार बार दावे करती है कि गांव-गांव तक विकास हुआ है, नक्सलवाद मुक्त हुआ है, हम आपसे जानना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्र में कितना ज़्यादा विकास पहुँच सका? यह सरकार सिलेंडर रूपी ढोल पिटने वाली ग्रामीणों को जो सिलेंडर दे रही है, जब हमारे जैसे युवा कमाने वाले समाज में मजबूती से जीने वाले थे तो 220 से लेकर 320 तक का सिलेंडर था, 98 से लेकर 2014 तक। आज वो सिलेंडर 900 रुपये का मिल रहा है, तो जो गरीब सिलेंडर भरा रहा है सेकेंड रिफिल उसको नहीं भरा पा रहा है। तो यह सरकार ढोल का पोल कर रही है, लैंड बैंक बना के गरीबों का जमीन
कब्जा कर लिया है अडानी अंबानी को देने के लिए, क्योंकि पूंजी वो लगाए हैं, मुखौटाए हैं, इनके मुखौटा को बेकनाब करने के लिए आदिवासी का जंगल जल जमीन है ये देखिए हमारे हाथ में है। जमशेदपुर कभी आदिवासी बाहुल क्षेत्र था, आज सामान्य हो गया। रघुवर जी सरजू राय वहाँ समान सीट पर लड़ रहे हैं, समान हो गया। धनबाद कभी आदिवासी बाहुल जिला था, आज समान हो गया। एक दिन ऐसा आएगा कि झारखंड टोटल समान हो जाए, आदिवासी खत्म हो जाएंगे। इन आदिवासियों को बचाने के लिए आदि मतलब प्रथम, वासी मतलब निवासी, ये धरती के देवता हैं, ये धरती को दिए हैं और इनसे छीना जा रहा है। ए रघुवर जो हमारे छत्तीसगढ़ से आए थे, ये आयातित विदेशी अंग्रेज की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मीडिया के लोग हैं, हायर द प्राइस एंड लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस एंड हायर द डिमांड। जब मार्केट में वस्तुएं उपलब्धता के साथ अधिक होती है तो उसका मार्केट रेट गिर जाता है, और वस्तुएं कम होती हैं तो दाम बढ़ जाता है। तो आज अबानी अडानी और वेनेजुएला से जो गैस हमारे पास आ रहा है, जो ईरान से पाइपलाइन गैस आ रहा है, तो गैस का दाम कम होना चाहिए था। यह सरकार उनको मुनाफा करने के लिए उनका सिलेंडर बिके, उनका प्रॉफिट हो और हमारे घर से चूल्हा चौकी बंद हो जाए। एक छोटे मंच पर विराजमान है, अपने हर जिला हो या प्रखंड हो, गांव हो, कस्बे हो, सब जगह से इस बदलाव महारैली में इस रघुवर सरकार भाजपा सरकार पर जमकर आरोप निशाना साधा है। विकास की ढिंढोरा पीटी जाती है, युवाओं को रोजगार देने की बात कही जाती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। और बार बार महागठबंधन इस चीज को मुद्दे बना रही है कि यहाँ के आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना ज्यादा लोग कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और अपने अपने इस कड़ी धूप में इंतजार कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। कई घंटों से, कई दिनों से इस बड़े कार्यक्रम का यह जो बदलाव महारैली की शुरुआत की गई है महागठबंधन की ओर से ये की जा रही थी, और यह पहले ऐसा भी कहा जा रहा था कि यह बदलाव महारैली मोरावादी मैदान में किया जाएगा, लेकिन प्रशासन की ओर से इसे स्वीकृति ना दी गई और आज हरमू मैदान में इस बड़े बदलाव महारैली का किया गया है। आप कह सकते हैं कि महागठबंधन कि यह महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली आप कह सकते हैं चुनावी रणनीति, चुनावी महारैली का उद्घाटन हो चुका है। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि बड़ी पार्टी अपने आप को बोलती है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी की है, उस पर इस बदलाव महारैली को आज देख कर क्या असर पड़ता है। हम लोगों से भी बात करेंगे कि कितने कहां कहां से आए हैं आप लोग और आज अपने नेता को सुनने के लिए कितने ज़्यादा उत्साहित हैं। बोलिए कहां से आए हैं? भनातपुर से। क्या किनको सुनने आए हैं? हेमंत सोरेन जी को सुनने आए हैं। क्या क्या मुद्दा है कि किन किन समस्याओं का सामना करना? बहुत सारी समस्याएं झारखंड में, लूट खसोट की सरकार है रघुवर सरकार। तो आप लोग क्या कुछ कहेंगे? हाँ, हम लोग कन्हैया चौबे के समर्थ में है विधायक बनाने के, भोनाथपुर क्षेत्र के लेके हम लोग शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री बनाने के लेकर हम लोग यहाँ रांची में पहुँचे हुए हैं। ये बताइए, शिबू सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो क्या क्या लाभ मिला था? हम लोग को लाभ मिलता था, अगर शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री था तो हम लोग को 18-20 रुपया लीटर मिट्टी तेल मिलता था, वही आज 52-60 रुपया लीटर मिलता है। हम लोग को आज वो देखने के लिए मिल रहा है, और तो अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों का कहना है कि जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे तो 15-20 रुपए में राशन मिलती थी, डीजल मिलती थी, सब कुछ मिलती थी, लेकिन अब वही 50-60 रुपया हो गया। काफी महंगाई आप कह सकते हैं कि लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ गई है। हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कहीं ऐसे लोग बाहर तक खड़े हैं और अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। लोग बराबर आते जा रहे हैं गांव-गांव से, कस्बे-कस्बे से अपने नेता को सुनने के लिए। आज से आप कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह बदलाव महारैली शुरुआत कर दिया गया है, और किस तरह से ज़्यादा लोग यहाँ बढ़ चढ़ हिस्सा लें, लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि सर आज अपने नेता को सुनने के लिए कितना ज़्यादा उत्साहित हैं आप। बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, और आने वाली चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही है फुल बहुमत के साथ, और इससे अधिक खुशी क्या चाहिए। रघुवर सरकार बोलती है कि विकास गांव-गांव तक पहुंचा है। रघुवर सरकार कहती है विकास गांव-गांव तक पहुंचा है, विकास दिख रहा है कहीं? अब विकास गांव-गांव तक पहुंचती तो जनता हमारे यहाँ इतना भीड़ नहीं करती, ये तो आप भीड़ देख के ही पता चल रहा है आपको
विकास क्या हुआ है? ये तो विकास खाली पेपर में हो रहा है, टीवी में हो रहा है। हर टीवी में मोदी चालीसा रघुवर चालीसा चल रहा है। जनता से कोई लेने देना नहीं है, जनता त्रस्त है ये सरकार से, और इस बार सरकार का कहानी प्लेन हो जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? हम धनबाद से आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मंटू वर्मा है, व्यवसाय मोर्चा का हम जिला सचिव हैं। तो व्यवसाय मोर्चा के जिला सचिव हैं, जो कि काफी दूर दूर से आए हुए हैं, धनबाद से आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कार्यकर्तागण भी बहुत सारे हैं मौजूद। हम सबसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर मजदूर वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग, देख सकते हैं आप मजदूर हैं, रघुवर सरकार से काफी निराशा है इनको, तब यह आकर यहाँ आज बदलाव महारैली में आए हैं और अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। आप मजदूर हैं, काम करते हैं, क्या गरीब, क्या शिबू सोरेन जब मुख्यमंत्री थे या हेमंत सोरेन, तो कामो नहीं मिलता है, यहाँ काम करने वाले काम भी नहीं मिल रहा है, क्या करें आप? जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तो काम मिलता था आपको? पहले तो मिलता था, अभी तो इस सरकार में काम भी नहीं मिल रहा है। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अब पैसा का घटी होगा, पैसा नहीं काम करेंगे तो कैसे पैसा आएगा? काम करेंगे तब ना पैसा आएगा, काम भी नहीं मिलता रहा है। हम आते हैं शिरडी से, कुल्लू से। क्या समस्या है? क्या समस्या है? और भी लोग हैं, आगे आ जाएंगे, आगे आएंगे तो बात करेंगे हम उनसे भी। देख सकते हैं आप हमारे पीछे कितना ज्यादा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। एक चाचा हैं, उनसे बात करेंगे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इन 5 सालों में। ये इलेक्शन का है और ये हेमंत बाबू का ये महानगर रैली है। इस रैली में हम लोग एक संकल्प लिए हैं कि हम लोग बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे झारखंड से। क्यों, क्या मुद्दा है? मुद्दा है यहाँ बहुत तरह का हम लोग का परेशानी कर रहा है, जैसे कि बच्चों का स्टाइपेंड में 1,000 रुपया जमा लिया है, एक बच्चा का पेंशन नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, वो सबको खाता खुलवाया है कि 15 लाख करके पैसा आएगा, अभी तक 15% नहीं आया है। चलिए हम और भी लोगों से बात करेंगे। और देख सकते हैं हमारे पीछे आप, कई जगह से गाड़ी से भर भर के लोग आ रहे हैं, काफ़ी उत्साह है और उनके अंदर में जोश है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड की बड़ी पार्टी है, और उनके कैसे सरकार बनाई जाए, कितने ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर काफ़ी आक्रोश है रघुवर सरकार के अंदर। आपने देखा होगा कि कई लोगों ने कहा है कि हम बात करेंगे कि आप लोग आज के कार्यक्रम को लेकर कितना ज़्यादा उत्साह है। काफ़ी उत्साह है, और चूंकि रांची जिला का मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है, इसलिए हमारे रांची जिला के 18 प्रखंड और 2 महानगर और 1 नगर है, वहाँ से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उसका पहला नज़ारा ये है कि ये एक जुलूस आया है एक क्षेत्र का, अभी ऐसे कई जुलूस आएंगे रांची जिला से, और मैं समझता हूँ कि 50,000 आदमी सिर्फ रांची जिला से होंगे। लगभग कितने आदमी आएंगे आज इस बदलाव में? आज के इस बदलाव महारैली में 3 लाख पार है। तो कहीं ना कहीं 3 लाख पार होने का दावा किया जा रहा है, और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दावा किया जा रहा है कि आज इस हरमू मैदान में लगभग 3 लाख कार्यकर्ता और लोगों और नेताओं के आने की उम्मीद है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बदलाव महारैली को देखकर वह अपनी आगे की रणनीति क्या तैयार करती है, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि कई सारी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता यहां के लोगों से छिप नहीं सकती है। सनमार्ग लाइव के लिए रांची से कौशल कुमार।